ये है वीवो T2X 5G। सामने के साइड में देख सकते हो इसका ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है, सामने के साइड में चौड़ा, इधर के साइड में लंबा, इधर से पत्ता, कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है। इधर सामने के साइड में वीवो की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे T2X 5G लिखा हुआ है। पीछे की साइड में यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है, जैसा कि इसमें जो मेन हाईलाइटेड फीचर है, नीचे के साइड में कुछ नहीं है, इधर साइड में वीवो लिखा हुआ है, यहाँ के साइड में वीवो है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेरे को क्या कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सबसे पहले ही ऊपर ही स्मार्टफोन, तो इस स्मार्टफोन को हम साइड करते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। यहाँ पे ये मिलती है प्लास्टिक, तो साइड करते हैं। फिर यहाँ पे मिलता है ये अपना बैक कवर, जो कि कुछ ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन बैक कवर है, और अंदर के साइड में देख सकते हो ऐसे कुछ डीजे राजेश बजा सकते हो मन करे तो, इसको भी साइड करते हैं। फिर फाइनली यहाँ पे मिलेगा हमें ये जन्म पत्री, कुछ पुस्तकें, यहाँ पे हमें मिलेगा ये 18 वॉट का चार्जर 18 वॉट का है 5000 mAh की बैटरी के साथ। तो मतलब ज़्यादातर स्मार्टफोन में ऐसे ही मिलता है, अगर बैटरी ज़्यादा है चार्जिंग का वॉटेज कम है, और चार्जिंग का वॉटेज ज़्यादा है तो बैटरी कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बैटरी ज़्यादा होगी और वॉटेज भी ज़्यादा होगा तो बैटरी को चार्ज बहुत तेज करेगा चार्जर, और जिससे बैटरी गर्म हो सकती है। इसीलिए बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए और कम गर्म रखने के लिए बैटरी को रिड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पे हमें एक केबल मिलता है, यहाँ पे ये वाली केबल मिलती है जिसकी लंबाई देख सकते हो कुछ इतनी है, अच्छा खासा लंबा केबल है। और यहाँ पे ये टाइप सी टू यूएसबी टाइप ए वाला चार्जर है। तो अब सबको साइड करते हैं, अब बात करते हैं अपने स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन कुछ इस टाइप का है देख सकते हो, और अगर हम स्मार्टफोन को ओपन करें तो यार ये सबसे अच्छी फीलिंग है स्मार्टफोन को ओपन करने। तो यार देख सकते हो कितना तगड़ा लुक लग रहा है इस स्मार्टफोन का, एक बारी को देखो यार, तो मतलब काफ़ी सही लग रहा है। और इस स्मार्टफोन के जो कलर है ना, ये काफ़ी मस्त है, और अलग अलग एंगल से लाइट पड़ती है तो अलग अलग तरीके से ये ग्लो करता है। इस स्मार्टफोन के इस जो कलर है, इसका नाम अरोरा, कौन सा स्मार्टफोन देना है डबो? अरोरा गोल्ड इस स्मार्टफोन के कलर का नाम है, जैसा कि देख सकते हो। और ये काफ़ी मस्त लग रहा है, रिफ्लेक्टिव है, और ये एक मैट फिनिश के साथ आता है तो फिंगरप्रिंट काफ़ी कम आएंगे। यहाँ पे ये एक टेक्सचर्ड है, और यहाँ पे जो वीवो की ब्रांडिंग है इस पर अगर उंगली करो तो ये अलग सी खुरदरी वाली फीलिंग दे रहा है। बाकी अगर तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे ये जो कैमरा है, यहाँ पे ये वाला कैमरा, ये बस इतना सा ही ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, बाकी ये सारा मैट फिनिश के साथ है। यहाँ पे दो बड़े बड़े कैमराज लगाए गए हैं, जो कि एक 50 मेगापिक्सल का है और एक 2 मेगापिक्सल का है। कैमरा का ये साइड का जो रिंग है ना, बस यही एक मेटालिक है, बाकी ये सारी प्लास्टिक फ्रेम है। ऊपर के साइड में बात करें तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे सिम स्लॉट मिलेगा, यहाँ पे सिम इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे हल्का सा पिन डाल करके सिम निकाल सकते हो। इसके अंदर तुम्हें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। यहाँ पे ये नॉइस कैंसलिंग माइक है। फिर इधर साइड में बात करें तो यहाँ पे ये पूरा फ्लैट है, बट यहाँ पे ये एक फिंगर प्रिंट सेंसर मिल जाएगा साइड माउंटेड। ये वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन। नीचे के साइड में देखा जाए तो यहाँ पे ये हेडफोन जैक, यहाँ पे ये एक माइक है, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे स्पीकर ऑडियो ग्रिल, और इधर ये वाली साइड पूरी खाली है, बाकी कुछ इसी टाइप का स्मार्टफोन है। सामने के साइड में एक सेल्फी कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। डिजाइन देखा, डिजाइन काफी मस्त है, अरोरा गोल्ड कलर के साथ डिजाइन आता है। बाकी अगर फ्रंट पैनल की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पे 6.58 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और ये डिस्प्ले 1080p 60fps वाली डिस्प्ले है। बेजल्स देख सकते हो किनारे किनारे के, कितने कम बेजल्स हैं। नीचे के साइड में भी बेजल्स थोड़े कम है, मतलब इतने भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग सही क्वालिटी की डिस्प्ले है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के। कैमरा में इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यार इसके कैमरा में भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नाइट मोड है, पोर्ट्रेट है, पैनोरामा मोड, फिर वीडियो मोड, फिर ब्लॉग मोड। ब्लॉग मोड में काफ़ी सारे फीचर्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। मोड के ऑप्शन पर टाइप करें तो यहाँ 50 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन है, मतलब तुम 50 मेगापिक्सल में काफ़ी हाई क्वालिटी की फोटो कैप्चर कर सकते हो। पैनोरामा है, लाइव फोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो मोड, और डॉक्यूमेंट साइज की फोटो भी क्लिक कर सकते हो। फोटोज क्वालिटी की चेक करने के लिए हमें 2-3 फोटो भी खींचना पड़ेगा, तो हमारे पास फोटो खिंचाने के लिए है यहाँ पे ये भाई साहब, द सुपर हाई क्वालिटी मॉडल, तो इनकी 2-4 फोटो खींच के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल फोटो क्लिक कर लेते हैं, नॉर्मल फोटो क्लिक, फिर पोर्ट्रेट खींच लेते हैं। पोर्ट्रेट में यार डिटेक्ट नहीं कर रहा है पर्सन को। फोटोज़ क्वालिटी देख सकते हो, ये है नॉर्मल फोटो क्वालिटी, और जिसमें देख सकते हो कितना बढ़िया से इसने डिटेक्ट किया है। स्किन टोन को थोड़ा सा ये रेडिश कर दे रहा है, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिट करके हट जाएगा। फिर ये पोर्ट्रेट मोड है, जिसमें देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर कुछ किस तरीके का बैकग्राउंड ब्लर है। बाकी अगर बैकग्राउंड ब्लर देखना है तो यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने क्लिक किया था, ये नॉर्मल हाथ का फोटो है, जो कि जिसमें भी हल्का सा बैकग्राउंड ब्लर आ चुका है। बाकी ये अभी और भी इसमें फ़ोटोज़ हैं,
हाँ ये वाली फोटोज देखो, इसमें बैकग्राउंड पर काफ़ी अच्छे से स्मार्टफोन ने किया है। एज डिटेक्शन थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बाकी यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा छूट जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। एज डिटेक्शन और भी अच्छी सी हो सकती थी। कलर कंट्रास्ट काफ़ी सही है इसमें का, इसमें के फ़ोन का कलर ना ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है ना ही शार्प है, बाकी एकदम नेचुरल, हल्का सा नेचुरल फोटोज लेने की कोशिश करता है ये स्मार्टफोन। अगर रियर कैमरा के वीडियो मोड की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फ्रेमिंग का ऑप्शन है, लेवल का ऑप्शन है, मतलब तुम्हारा फ़ोन स्मार्टफोन 90 डिग्री पे है या नहीं, इसकी ये चीज़ तुम्हें बताएगा। और यहाँ पे तुम्हें एक स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब वीडियो को तुम स्टेबल रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर क्वालिटी में देख सकते हो 1080p 30fps में अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट तुम इसको 1080p 60fps में भी कर सकते हो या फिर 720p 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ इस टाइप से इसका ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल जैसा कि देख सकते हो, यह है इस फोन की वीडियो क्वालिटी रियर कैमरा से, और रियर कैमरा में देख सकते हो कुछ इस टाइप की वीडियो क्वालिटी है। सूरज की रोशनी वहाँ से बहुत तेजी से आ रही है और ये डायरेक्ट मेरे चेहरे पे ही पड़ रही है, जैसा कि तुम लोग ऐसा पूरा मस्त तरीके से नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं नदी के अंदर हूँ, पीछे नदी पूरी सूख चुकी है, उधर भी पूरी सूख चुकी है। सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो इसमें 8 megapixel की सेल्फी मिलती है, जिसमें तुम अगर सेल्फी के साइड में देख सकते हो नाइट मोड, सेल्फी में भी नाइट मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मोड है, पैनोरामा मोड है, वीडियो मोड है, फिर इसमें ब्लॉग मोड है। ब्लॉग मोड में भी यहाँ पे बैक कैमरा की तरह ही काफ़ी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर सेल्फी कैमरा के मोड में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे भी तुम्हें वही सेम चीज़ मिलते हैं जो तुम्हें रियर कैमरा में मिलते थे। सेल्फी भी सेल्फी फोटो क्लिक करने के लिए सेल्फी भी क्लिक कर लेते हैं, सब सही लगा, सेल्फी भी क्लिक कर ही लेते हैं। ये है पोर्ट्रेट मोड और ये नॉर्मल मोड, तो ये नॉर्मल मोड में फ़ोटो कुछ इस टाइप से आई है, देख ही सकते हो सेल्फी में किस तरीके की। बाकी अगर यहाँ पे इधर करें तो यहाँ पे ये है, ये नॉर्मल मोड है और इधर ये पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट उतना अच्छा खासा डिटेक्ट नहीं कर पाया, बाकी फ़ोटोज़ क्वालिटी अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बाकी ये सिंगल फ़ोटो है, यहाँ पे वीडियो मोड की बात करें तो वीडियो यहाँ पे 1080p 30fps में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हाँ 1080p 30fps पे अभी ये है, तुम चाहो तो इसे 720p में भी कर सकते हो। और 1080p 60fps का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता सेल्फी वीडियो क्वालिटी में। और अगर सेटिंग में जाके बात करें तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रेमिंग और लेवल का बस एक ऑप्शन मिलता है सेल्फी में। तुम वीडियो क्वालिटी देख रहे हो, ये इसी स्मार्टफोन की सेल्फी की वीडियो क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी भी इसी की स्मार्टफोन की है। तो जो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी देख रहे हो वो दोनों इसी स्मार्टफोन की है, बाकी सूरज की रोशनी काफ़ी तेज है मेरे इधर से आ रही है जैसा कि देख सकते हो, और मैं इस वक्त अभी इस नदी के अंदर हूँ, नदी पूरी सूख चुकी है। तो यार कमेंट बताओ इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, और फोटो क्वालिटी तुम लोग देख ही चुके हो। इसमें मीडियाटेक हेलियो 6020 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये एक 5G प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की मदद से तुम डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर पाओगे। इसमें जायरो सेंसर भी देखने को मिलता है और जायरो सेंसर हल्का सा स्लो लगा मेरे को गेमिंग के वक्त। इस फोन का UI भी काफ़ी सही लगा मेरे को, मतलब उतना फालतू एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि डेली लाइफ में यूजेस नहीं है। फिर यहाँ पे अगर ब्लॉटवेयर के नाम पे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए। काफ़ी सारे इसमें एप्लीकेशन हॉट गेम्स हॉट ऐप्स है, मतलब बहुत ज़्यादा दिया गया यार। फिर उसके बाद हॉट गेम्स की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि और ये इसलिए कंपनी देती है ना कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग करने। और ये सारे ब्लॉटवेयर रहेंगे, मतलब अलग अलग ब्रांड्स ये लोग पैसे लेते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपकी एप्लीकेशन इस स्मार्टफोन में ऐड करेंगे, तो वहाँ से वो लेती हैं पैसे और स्मार्टफोन में ऐड कर देती हैं, जिससे थोड़ी सी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। इससे यूज़र भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, और कंपनी वाले भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अलग एप्लीकेशन के ब्रांड से भी पैसे मिल जाते हैं, और आप लोग तो जो यूज़र है जो स्मार्टफोन खरीद रहा है वो तो पैसे दे ही रहा होता है। बाकी ये ऐसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एप्लीकेशन को बैन किया है, और उसने ये भी बोला है कि कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अपने स्मार्टफोन में अगर कोई ब्लॉटवेयर वाली एप्लीकेशन ऐड करता है तो वो ये ऑप्शन देगा कि यूज़र उस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकता है। और इस टाइम ये फीचर आ गया, काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले कंपनी वाले स्मार्टफोन में काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर डाल के दे देते थे और यूज़र उन्हें डिलीट ही नहीं कर पाता था, ना चाहते हुए भी उन्हें उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखना पड़ता था। ये काफ़ी सही स्टेप लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है,
इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। सो यार जैसा कि इस स्मार्टफोन के बारे में तुमने देखा, काफ़ी मस्त स्मार्टफोन है ये प्राइस के अकॉर्डिंग, और ये 12 से 13 हज़ार के अंडर का ये स्मार्टफोन है। 128 GB वेरियंट 12 से 13 हज़ार का स्मार्टफोन है। बाकी अगर बात करें तो बैक लुक इसका काफ़ी बढ़िया है, सामने की साइड में 1080p की डिस्प्ले है, 6.5 इंच की डिस्प्ले है, बाकी सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का फीचर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, अरोरा गोल्ड कलर का बैक पैनल जो कि काफ़ी मस्त लगता है ये, और इन हैंड फील काफ़ी अच्छा आता है इसका। ये प्लास्टिक बैक है और अगर कहीं तुम इसे मार्केट में लेके जाओगे ना तो काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक आएगा किसका, क्योंकि ये कलर ही इसका इतना मस्त लुक दे रहा है। बाकी इसका डिज़ाइन इतना बढ़िया है कि अलग अलग एंगल से अगर लाइट पड़ेगी तो अलग अलग थोड़ा मतलब अलग कलर शो करेगा, मतलब गोल्डन ही शो करेगा लेकिन अलग अलग शेड में। बाकी अगर डिस्प्ले क्वालिटी भी सही है, अंदर का UI भी सही है, हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर है जिसे आप डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 5G स्मार्टफोन है, 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, भले ही इसमें अभी फिलहाल के लिए 4G सिम लगा हुआ है लेकिन जब 5G सिम लगेगा तो काफ़ी अच्छी स्पीड देगा ये। इसके अंदर 5G अच्छे खासे 5G बैंड भी मिल जाएंगे तुम्हें, और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी मस्त है। बाकी अभी तुम्हारी मर्जी, और कमेंट में तुम बताओ कि स्मार्टफोन को तुम लेना पसंद करोगे या नहीं, मतलब तुम किसी को रेकमेंड करोगे स्मार्टफोन की नहीं। 12 से 13 हज़ार के अंदर का स्मार्टफोन है, ऑफर लगाओगे हो सकता है और भी सस्ते में तुम्हें ये देखने को मिल जाए। सर यही था इस स्मार्टफोन के बारे में, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ओपिनियन कमेंट में लिख देना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय। एक चीज़ मैं भूल गया यार, इसकी साउंड क्वालिटी। तो यार स्पीकर इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल स्पीकर का कोई चांस नहीं है, सिंगल स्पीकर की क्वालिटी देखो। तो ये देख सकते हो इसकी ऑडियो क्वालिटी किस तरीके की है, मैं 100% करता हूँ। तो यार ये है इसकी ऑडियो क्वालिटी 100% जैसा कि तुम लोग सुन सकते हो, और लो क्वालिटी अगर बताऊँ तो ये इसकी 0%, 0% पे सारे स्मार्टफोन म्यूट हो ही जाते हैं, बाकी 100% पे तुम लोग इसकी ऑडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके 100% में।